देहरादून में गौराज विला न्यू मोथरोवाला रोड पर नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विशिष्ट अतिथि धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, अति विशिष्ट अतिथि राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी, अतिथि दीपक राजपूत मौजूद रहे। सभी अतिथियों का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने भी शिरकत की। सभी अतिथियों और संस्था के संचालक सुमन नैनवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही लोक गायक अर्चना सती ने अपनी सुरीली आवाज से सभी का मन मोह लिया। इसी कड़ी में संस्था के द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य पर चर्चा एवं मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर अनुमेहा जोशी के द्वारा महिलाओं से जुड़ी समस्याओं और उनके निदान के बारे में बताया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गौराज पहाड़ी फसल एवं हस्तशिल्प का रिबन काटकर शुभारंभ भी किया और वहां विभिन्न पहाड़ी उत्पादों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विशिष्ट अतिथि विधायक धर्मपुर विनोद चमोली ने कार्यक्रम की जमकर सराहना की। साथ ही संस्था का नाम नथुली को महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल बताया। जो नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था है, उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है कि जो हमारी माँ बहनें बेटियाँ जो हुनर कर रही हैं, उनको एक मौका दिया है यहाँ पर, ताकि एक तो उनके जो प्रोडक्ट हैं वो बिक सके और किस तरह की डिमांड है धीरे उस चीज़ को भी वो धीरे धीरे समझेंगे और उनको एक आर्थिक ताकत इससे मिलेगी। सबसे पहले तो मैं संस्था के नाम से बड़ा प्रभावित हूँ, उन्होंने नथुली शब्द का प्रयोग किया जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है और महिलाओं से जुड़ी हुई है, जो हमारी एक समृद्ध परंपरा का हिस्सा है। बहुत अच्छा यहाँ पर आयोजन है। हुनर हाट के माध्यम से उन लोगों ने एक बाजार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो लोग अपना उत्पाद यहाँ पर बेचना चाहते हैं, जो पहाड़ के उत्पाद है उनको बेचना चाहते हैं, और उसके साथ साथ ये एक शुरुआत है, सब लोग इसमें सम्मिलित हो और इसका लाभ लें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, ये आवश्यक है। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिला सशक्तिकरण संस्था की जो अध्यक्षा हैं मिसेज सुमन नैनवाल, उन्होंने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया, तो मैं पहले तो उनकी बहुत आभारी हूँ। और मैं समझती हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए। ये कल्चर हमारी महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा देने के लिए ही किया गया है, और इस प्रोग्राम का यही माध्यम है कि इससे जो महिला हुनर हाट जो लगा है यहाँ पे, इससे हमारी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे कि काफ़ी बेरोजगार महिलाएं हैं, किसी के हालात ठीक नहीं रहते हैं, पहाड़ से यहाँ पे अपने कार्य को करने के लिए आई हैं, तो उनको इस तरीके के जो हुनरबाज कहिए इनको, कि जो यहाँ पे अपना योगदान दे रही हैं। संस्था का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ना है तथा उन्हें एक बेहतर मंच प्रदान करना है। इसी कड़ी में इस संस्था के द्वारा महिलाओं के लिए एक दिवसीय हुनर हाट भी लगाया गया, जिसमें विभिन्न समूह की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपने प्रोडक्ट के स्टॉल भी लगाए। तो सबसे पहले जो स्टॉल से मैं आपको मिलाने जा रही हूँ, ये स्टॉल में आपको मशरूम के विभिन्न पदार्थ देखने को मिलेंगे। सीधे यहाँ पर इनकी ओनर से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शीला जोशी। शीला जी, कहाँ से हैं आप? और मशरूम का हम देख रहे हैं काफ़ी सारे यहाँ पे पदार्थ रखे हुए हैं, क्या कुछ काम करते हैं आप? हम घनसाली से हैं, टीरी से। हम यहाँ बंजारा वाला में ही हम इसका इसके प्रोडक्ट हैं, मशरूम की खेती करते हैं। ये वेस्टर मशरूम है, ये बटन मशरूम है। इनका हम अचार, बिस्किट और ये चॉकलेट वगैरह सब इसमें हम पूरा काम करते हैं। इसमें हमारे वो ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं, ट्रेनिंग बच्चे ट्रेनिंग भी करते हैं, और महिलाएं भी खूब हमारे साथ काम करती हैं। अच्छा, आपकी बेटी भी यहाँ पर मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकृति जोशी है। आकृति, आपकी मदर के द्वारा बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया जा रहा है, मशरूम की खेती हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पे काम होता है? आपकी संस्था में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? दरअसल हमने एक बहुत छोटे स्तर पे काम शुरू करना चालू किया था, पर फिर जब हमारे साथ लोग जुड़े, हमारे साथ महिलाएं जुड़ी, पहले हमने अपने परिवार में जो मेरी बुआ वगैरह है उनके साथ हमने काम शुरू किया, तो फिर धीरे धीरे काम बढ़ता गया। तो फिर उसके बाद हमने ऑयस्टर मशरूम है, बटन मशरूम है, फिर जब ये जो ये सब्जियाँ इनकी बनती है, तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि हम मेडिसिनल मशरूम में भी काम करते हैं। तो ये जो है ये गैनोडर्मा मशरूम है और ये कीड़ा जड़ी है, कॉर्डिसेप मिलिट्री। तो फिर ये जो है ये वैसे तो बहुत
दुर्लभ जगह पे मिलती हैं, जैसे हिमाचल वगैरह पे, तो वहाँ से लाना ये इल्लीगल है ये सब कुछ। तो फिर हमने यहाँ पे लैब में अपने काम शुरू किया था, तो मेरे जो पापा हैं वो इस चीज़ के ओनर हैं, तो फिर हमने इस पे, जैसे लोग ले नहीं पाते हैं इतनी महंगी चीज़ें, तो फिर हमने इनके बिस्किट बनाने शुरू करे और इनकी चॉकलेट्स बनानी शुरू करी, तो ताकि ये छोटे छोटे लोग जैसे बच्चे खाते नहीं है ना, तो उनमें हम ये ताकि उन तक पहुंचा सके ये चीज़ें। उनके स्वेटर आपने ज़रूर देखे होंगे, यहाँ पर आपको ऊन का जो ये आकृतियाँ दिख रही हैं, एक तरीके से सजावटी यहाँ पे आकृतियाँ आपको दिख सकते हैं। सीधे इनसे बात करते हैं, क्या नाम है मैम? कमला नेगी। क्या काम करती? ये बस हाउस वाइफ हूँ। हाँ, हैंडमेड का ये सब फूल वगैरह बनाना, पेंटिंग वगैरह, और अपनी शॉप है, शॉप भी चलाते हैं। हाँ, लोग अभी खरीदते हैं, तो अभी खरीदते हैं, जिसको पता लगता है वो लेते हैं। हम यहाँ पर लेडीज़ों को सिखाते हैं, और यहाँ पर उन ये बेडशीट वगैरह उनसे बनवाते हैं, उन्हें सिखाते हैं। तो यहाँ पर आए हैं तो हमने कहा कुछ ऑर्डर मिले तो उन्हें रोज़गार मिल सके, कुछ काम करवा सके उनसे, इस टाइप का ना, बेडशीट वगैरह का। बाकी ये मास्क वगैरह है हमारे यहाँ पर बनाए गए लेडीज़ों के द्वारा। मैम, मेन उद्देश्य ये है कि महिलाओं को रोज़गार प्रोवाइड करना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, क्योंकि जो लेडीज़ हैं, हुनर तो सब में होता है बट वो अपनी स्किल्स दिखा नहीं पाती हैं, तो उनको ये प्रोवाइड करना मंच, ताकि वो अपनी स्किल्स दिखा पाएँ सबको ना। काफ़ी टाइम हो गया मुझे, 7-8 साल तो हो गए हैं, तो मैं यही सिवैयों का ही काम करती हूँ। मैं वैसे तो ससुराल मेरा पौड़ी का है, वैसे यही नेहरू कॉलोनी से ही हूँ। अभी हमें 1 महीना हुआ मैम, हम पैकिंग करते हैं, सब कुछ काम करते हैं, हम सफाई करते हैं दाल की और पैकिंग पुकिंग करते हैं। एक तरफ जहां महिलाएं पहाड़ के जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं, तो वहीं मास्टर शेफ नेगी भी कई सालों से पहाड़ के उत्पादों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। वे न सिर्फ मंडुवे के फास्ट फूड गुलाब जामुन बनाते हैं, बल्कि इनसे होने वाले फायदों को भी लोगों को बताते हैं। मेरा नाम मास्टर शेफ रणधीर सिंह नेगी है, मैं उत्तराखंड से हूँ, बिलोंग में यमकेश्वर ब्लॉक से करता हूँ। तो मैं जो है उत्तराखंड के पारंपरिक जो अनाज हैं, आज के जोर में जो लिप्त हो गए, लुप्त होने वाले, उनकी मैं इतनी वो कर रहा हूँ कि उनको प्रोसेस में ला रहा हूँ कि मैं उनका खाना बनाऊँ, मिठाइयाँ बना रहा हूँ, कोदे के गुलाब जामुन, झंगोरे के रसगुल्ले, कौड़ी के खीर मोहन, कोदे के पिज्ज़ा, झंगोरे के पिज्ज़ा, कोदे की बर्फी, झंगोरे की बर्फी, कोदे के समोसे, कोदे के स्प्रिंग रोल, कोदे के नाचोस, मकई के नाचोस, सारे जो प्रोडक्ट बनाए मैंने, इस पर 600 खाना बना रखा, 600 डिशेज मेरे खाने और 50 से 60 मेरे स्वीट डिशेज हैं, जो कि मैं अपने हेल्थ पे काफ़ी काम कर रहा हूँ। एक वुमन बूस्टर, बूस्टर वुमन भी है, बूस्टर भी है, ह्यूमिडिटी बूस्टर भी है इसमें, जो कि काफ़ी हेल्थी होता है। और मैं जो कंडाली के कबाब भी बना रहा हूँ यहाँ पे, कंडाली की चाय पत्ती भी बना रहा हूँ, कोदे की चाय बना रहा हूँ, बहुत चीज़ें मैंने कोदे से काफ़ी इंट्रोड्यूस किया और काफ़ी चीज़ें मैं आगे लाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें लाने वाला, जो कि कोदे पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है कि मैं अपना उत्तराखंड के अनाजों को बहुत सारा महत्व दूँ, ताकि हमारे उत्तराखंड के जो आज प्लान कर रहे हैं घर से, ताकि वो अपने अनाज बना सकें, हमें बेच सकें, हमें बोलते हैं हमें दे दो, हम बोलते हैं हमें दो, हम उस चीज़ के प्रोडक्ट निकालते हैं। नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में संस्था की महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई। इस दौरान कार्यक्रम का भव्य समापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा हुनर हाट की महिलाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संपूर्ण संचालन गैराज पहाड़ी फसल एवं हस्तशिल्प के फाउंडर देवेश नैनवाल के द्वारा किया गया। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राकेश गड़िया के साथ रेणु उप्रेती की रिपोर्ट।